वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आपको एमवी वे प्रोटीन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। वैसे तो देखो एमवी वे प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या डायबिटीज़ को के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी कोई बेनिफिट हो सकता है वे प्रोटीन लेने से? क्या वे प्रोटीन लेने से उनका बॉडी का फैट लूज होगा, मसल गेन होगा, या उनकी डायबिटीज़ को साइड इफेक्ट्स होंगे, डायबिटीज़ बढ़ेगी, उनकी शुगर बढ़ेगी या कम होगी? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या है, शुगर की बीमारी क्या है। डायबिटीज़ और शुगर के अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर कार्ब इनटेक इंक्रीज होता है, भाई हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम कितने भी फ्रूट्स हैं वो ले रहे हैं, डिपेंड करता है, हर एक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है, लेकिन इन सारी चीज़ों से बॉडी में कार्ब का लेवल बढ़ता है, और कार्ब का लेवल बढ़ने से बॉडी में शुगर इंक्रीज होता है। जो कार्ब होता है ना, वो बॉडी में पहले शुगर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद शुगर से फैट में कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में। तो कार्ब इंटेक ज़्यादा होगा तो शुगर बढ़ेगी, डायबिटीज़ होगी। अगर प्रोटीन शेक्स के अंदर कार्ब इंटेक, कार्ब प्रोडक्ट ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, तो इससे शुगर बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो, प्रोटीन सप्लीमेंट की फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, एग फॉर्म में हो, पनीर फॉर्म में हो, चिकन फॉर्म में हो, प्रोटीन से कभी भी शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि प्रोटीन की एक क्वालिटी है, इट ये कभी भी फैट में कन्वर्ट नहीं होता और ये बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। हमारी कोई भी ह्यूमन बॉडी प्रोटीन को ना तो स्टोर कर सकती और ना ही ये फैट में कन्वर्ट होता, तो इसके शुगर में कन्वर्ट होने के चांसेस निल हैं। तो शुगर में जब ये कन्वर्ट नहीं होगा तो ये डायबिटीज़ भी नहीं बढ़ाएगा, और डायबिटीज़ नहीं बढ़ाएगा, और अगर हम प्रोटीन को लेते हुए अपने कार्ब इंटेक को लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी शुगर भी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि शुगर हमारी बढ़ती है जब हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं। अब भाई हम कार्बोहाइड्रेट, हमें शुगर कंट्रोल करनी है तो कार्बोहाइड्रेट तो हमें लेस करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट हमने लेस कर दिया तो भैया हम क्या खाएं? अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी। कार्बोहाइड्रेट हमने लेस कर दिया, फैट इंटेक हमने मॉडरेट रखा, बहुत नॉर्मल रखा, और प्रोटीन इंटेक हमने हाई कर दिया, तो प्रोटीन शुगर में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी, प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल्स लेके आएगा तो हमारी पावर भी आएगी। तो प्रोटीन से हम डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना वेट लूज भी कर सकते हैं, मसल्स भी गेन कर सकते हैं। मैं आपको प्रोटीन का कंपोजिशन दिखाता हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 35 ग्राम की सर्विंग में कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं 4.5 ग्राम है सिर्फ, यानी कि अराउंड 10% पार्ट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, बाकी सारा प्रोटीन है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे शुगर भी कम होगी और आपकी बॉडी के मसल्स भी इंप्रूव होंगे और आपकी बॉडी भी फिट होगी। वंदे मातरम दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा सभी साथियों को कि प्रोटीन लें और प्रोटीन के साथ अपनी बॉडी को फिट रखें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, वंदे मातरम।